अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फान चौधरी। फान चौधरी मुल्क के एक प्राइम मिनिस्टर और एक आम जनता, एक आम लोगों में बहुत डिफरेंस होता है। कैसे? चले बताता हूँ मैं। देखिए, एक आप कहेंगे यार उस प्राइम मिनिस्टर को मैंने सिलेक्ट किया है मेरे एक वोट की वजह से वो बने, लेकिन आप जैसे पता नहीं कितने और लोगों की वजह से वो एक रिप्रेजेंटेटिव बना है। वो एक रिप्रेजेंट करेगा पूरे मुल्क को और उसके ऑर्डर से हर चीज होगी। वोट तो दे दिया, बस जो मर्जी चलनी उसी की चलनी है। उसने अपने हिसाब से देखना है, बाकी लोगों के हिसाब से देख के उसने चलाना है अपने मुल्क को। देखें, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ बड़ा बनना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मेहनत जितनी करेंगे, अगर सारे के सारे लोग 14 घंटे वर्क करके एक पॉइंट पे है, तो अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करोगे तो एक्स्ट्रा कुछ बनोगे। सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एक्स्ट्रा किया है तो वो प्राइम मिनिस्टर बना है। एक इतनी करोड़ों की आवाम में से एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है सबको, क्यों कुछ एक्स्ट्रा किया है। देखें, अगर आप 14 लीटर की पानी की बोतल में 14 लीटर ही पानी डाली जा रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। आपने कोई नया काम तो नहीं किया। बेशक आपने 3 दिन मेहनत पे लगा दिए हैं और रोहर 3 दिन लगातार मेहनत के बाद इतना पानी भर रहे हैं, ये तो मेहनत ना हुई, क्योंकि ये तो हर बंदा कर सकता है। 14 लीटर की बोतल की पानी है, उसमें पानी आपने सिंपल सा भर देना है, या कुछ लोगों ने उससे भी कम भरा है तो वो उसकी उनकी हिम्मत है, वो इतने स्लो हुए हैं। एक्स्ट्रा कुछ करेंगे हम, कुछ नई टेक्नोलॉजी करेंगे या उसके अंदर नई कुछ चेंजिंग लेके आएंगे, एक्स्ट्रा काम करके दिखाएंगे तो हमारे एक्स्ट्रा होगा ना वर्क। देखें, एक कतार के अंदर अगर गाड़ी जाई जा रही है और काफी सारी गाड़ी आगे पीछे है, हमें नहीं पता चलेगा गाड़ियों का डिफरेंस। कब पता चलेगा? जब इसमें से कोई एक गाड़ी हरामखोरी कर देगा या ड्रिफ्टिंग करेगा या किसी के अंदर रख के मार देगा, कुछ नया करेगा तो हमें पता चलेगा ना, इनमें से वो एक गाड़ी से रिप्रेजेंट होगी, बाकी सब के सब सेम है। इसी तरह हमारी लाइफ में है, जो बंदे कुछ एक्स्ट्रा करते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा बन जाते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते अपनी सेम बस डोमेन में चले जाते हैं, वैसे के वैसे रह जाते हैं। देखिए, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आए हैं, हम चंद लोगों को जानते हैं और चंद लोगों को अभी जानते हैं, चंद लोगों को भूल जाएंगे, लेकिन चंद लोग जो पूरी जिंदगी हमें याद रहेंगे, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा किया है, कुछ दीन के मुताबिक या दुनिया के मुताबिक, जिसके मुताबिक भी किया है। हमने इसी तरह ही करना है। अगर हमारी कुछ देखे ना, हर इंसान को मेहनत करने की लगन होती है लेकिन करता नहीं है। हर इंसान को मशहूर होने की बड़ी लगन होती है, मैं फेमस हो जाऊँ, पैसा आ जाए, लेकिन मेहनत नहीं करता, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करता, कैसे मशहूर हो जाएगा, कैसे कुछ एक्स्ट्रा कर लेगा। अभी हम पे डिपेंड करता है, हमने क्या सोचना है, किस तरफ जाना है, कौन सी डोमेन सेलेक्ट करनी है। देखें, बहुत ज़्यादा शोबे हैं, हर बंदा अपनी फील्ड में मशहूर हो जाता है, हर बंदा अपनी, अब आपने उस लिहाज से इस फील्ड को सिलेक्ट करना है, उस लिहाज से मेहनत करनी है कि मैं कितना मशहूर होना चाहता हूँ या कितना मैं लोगों का रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखिए यार, आप कहेंगे यार मशहूर क्या होना है, दिखावा है। नहीं, क्यों दिखावा है? आप उस फेमस सिटी की वजह से इंसानियत की हेल्प भी कर सकते हैं, कई लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा सकते हैं, जो इंसान गलत कर रहा होगा उसे रोक भी सकते हैं। स्टॉप इट, आप पे डिपेंड करता है ना। देखिए ना, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। अब देखिए, अगर बेड है, एक मेरे सामने अगर बेड हो, ठीक है ना, अब उसमें क्या है, हम सो भी सकते हैं या उसे देखते रह जाए, नीचे सोया करें रोज़ के, बेड को कुछ होना जाए, हम पे डिपेंड करता है कि हम अक्लमंद कितने हैं। बेड अगर सोने के लिए हम बेड पे सोते हैं, बेड ख़राब ना हो जाए कि हम नीचे सो जाते हैं, हम पे डिपेंड करता है हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना कुछ आगे करके कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ दुनिया वाले को बताना चाहते हैं, कुछ अपने आप को फील करवाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा माइंड यूज करके, एक्स्ट्रा अल्लाह ताला की जात से ताल्लुक जोड़ के। सेम बात, अल्लाह ताला की जात से ताल्लुक जोड़ के जो चीज़ हमें मिलेंगी, वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जो मर्जी कर ले, उन चीज़ों से नहीं मिलती, जो अल्लाह ताला की जात के साथ ताल्लुक जोड़ने से मिलती है। आप इंटरप्रेट करते हैं, इंशाल्लाह ताला आप अल्लाह ताला की जात के साथ ताल्लुक जोड़ेंगे, पॉजिटिविटी का जरिया बनेंगे। आखिर में अल्लाह ताला की जात हमें अल्लाह ताला से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।